अब देखो, सबसे पहले सरकार ने कहा कि कोरोना का टीका 60 साल से बड़ी अवस्था वाले को लगेगा, फिर कहा 45 से बड़े को लगेगा, अब जब सबको खतरा है तो कहा कि चलो सब 18 से बड़े जो हैं सब लगाओ। पर वो दवा पहले किसको उपलब्ध कराई जा रही थी? जो रोगी है, जिसको प्राणों का भय है, ऐसे ही श्री ठाकुर जी की व्यवस्था है। जो पतित है उस पर प्रभु की कृपा बरसती है। बिरद है तू पुनीत परिहर, बोले जो पवित्र है उसको ठाकुर जी कह रहे ये तो अपने सत्कर्म से तर जाएगा। बिरद है तू पुनीत परिहर, और भी कह रहे पामरन पर प्रीत कैसे, बोले गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, कह रहे मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राय, बोले उसे माता की जननी की गति प्रदान कर रहे हैं। फिर कह रहे काम मोहित गोपिका कृपा अतुलित कीन, और जगत पिता बिरंची तिनके चरण की रजलीन। वो ब्रज की ब्रजांगनाएं जो जो कभी पोथी पुराण नहीं पढ़ी, जिन्होंने कोई व्रत उपवास नहीं किया, कह रहे जगत पिता बिरंच तिनके चरण की रजलीन, ब्रह्मा शिव उद्धव आदि उनके चरणों की रज पाने के लिए ललायित हो गए, ऐसा स्थान प्रभु ने उनको प्रदान कर दिया। ऐसी गोस्वामी जी कह रहे भाई समझ नहीं आता, न जाने कौन सी बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ऐसी कवन प्रभु की रीत। बिरद हे तू पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत, और ऐसा ही भक्त का, ऐसा ही भगवान का स्वभाव है, ऐसा ही भक्त का स्वभाव है, यही साधुता है भाई, यही संत का संतत्व है। इसीलिए कभी कभी कोई मुझे पूछ लेता है, एक आध बार किसी ने लिखकर भी भेजा, आप क्यों बार बार व्यासपीठ से कहते हैं कि भाई मैं तो साधु नहीं हूं, मैं तो संत नहीं हूं? क्योंकि भाई संत और साधु का सद्गुण देखूं तो फिर तो लगता है कि साधु का सेवक भी बन जाऊं यदि जीवन में, तो जीवन की बड़ी उपलब्धि है। वस्तुतः संत में, भक्त में, भगवान में कोई भेद नहीं है। तो भाई ये तो प्रभु के भक्त नहीं है, स्वयं प्रभु ही हैं, ये प्रभु की कृपा मूर्ति हैं, इस रूप में विराजे हैं। पर संत इन्हीं को कहना चाहिए भाई। हिंसा दम्भ लोभ छल त्यागे विषसम देख है माया, सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी, तृष्णा दम्भ लोभ छल त्यागे गए अनन्य व्रत एक, इंद्रिजित अभिमान न जाके करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगति तीनों ताप न सावन, इतने गुण जामे सो संत। तो श्री जयदेव जी के हाथ पांव यथावत हो गए, राजा के आनंद की सीमा नहीं। और जब श्री जयदेव जी ने सारी घटना सुनाई तो राजा की श्रद्धा, राजा का भाव श्री जयदेव जी के चरणों में अनंत गुना बढ़ गया। और जब श्री जयदेव जी ने पद्मावती जी का स्मरण किया तो राजा ने तुरंत सैनिक भेजे, पालकी में श्री पद्मावती जी को नगर में लाया गया, और बड़े सुख से श्री जयदेव जी और पद्मावती राजा के नगर में विराजमान हो गए। भक्तिभाव का प्रसार हो ही रहा था तो जो राजा की रानी थी वो पद्मावती जी का सत्संग करती थी, उनके निकट आकर बैठा करती थी। एक बार रानी और पद्मावती जी बैठी थी और एकाएक दासी ने आकर सूचना दी कि आपके भाई युद्ध में वीरगति में प्राप्त हो गए, और आपकी जो भावज हैं, आपके भाई की जो पत्नी हैं, वो आपके भाई के साथ ही चिता में जलकर सती हो गई। तो रानी ने कहा कि धन्य हमारी भावज, ऐसी प्रीति उसकी हमारे भाई में थी कि वो उसके साथ चिता में जलकर सती हो गई, वो अपनी भाभी का ही जय जयकार करने लगी। पर पद्मावती जी ने कहा इसमें कौन बड़ी बात है, इसमें कौन बड़ी बात है, ये तो कोई विशुद्ध प्रेम नहीं है। प्रेम तो प्रेम तब है कि जब पति के प्राण चले गए, ये सुनते ही प्राण छूट जाए, तब तो प्रेम है। अब रानी ने उपहास पूर्वक कहा, बोले भाई ऐसी तो बस आप ही हैं, उसने उपहास पूर्वक पद्मावती जी से कहा ऐसी तो बस आप ही हैं, लेकिन रानी थी। अब भाई धन के कारण बहुत दुर्गुण आते हैं, तो उसने मन में ठान लिया कि भाई किसी दिन मैं इनकी परीक्षा लूंगी। अब वो पीछे पड़ गई राजा के कि भाई एक दिन आप जयदेव जी को लेकर वन में जाइए और मैं पद्मावती जी के सतीत्व की परीक्षा लेना चाहती हूँ। बहुत प्रवचन सुना रही थी हमें उस दिन कि भाई प्रेम तो प्रेम तभी है जब पति के परलोक गमन की बात सुनते ही प्राण छूट जाएं, तो मैं इनके प्रेम की परीक्षा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि विकृत हो गई है, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम इनकी परीक्षा लेना चाहती हो? पर रानी तो हठ पर अड़ गई, अब वो तो माने ही नहीं। अब राजा को भाई बात माननी पड़ी। खबर आई
रानी ने ऐसा षड्यंत्र रचा था, खबर आ गई कि भाई जयदेव जी प्रभु के धाम को चले गए। पद्मावती जी ने नेत्र बंद किए, जगन्नाथ प्रभु का स्मरण किया और देखा पति तो राजा के साथ वन में बैठे सत्संग कर रहे हैं। तो पद्मावती जी ने रानी से कहा कि देखिए श्री जयदेव जी को कुछ नहीं हुआ है, स्वामी जी को कुछ नहीं हुआ है, वो पूर्णतया स्वस्थ हैं और सांझ तक लौट आएंगे। अब रानी ने मन में विचार किया भाई ये तो कुछ सिद्ध मालूम पड़ती हैं, इनको खबर पड़ गई कि वो तो स्वस्थ हैं, अमुक स्थान पर राजा के साथ वन में विराजमान हो रहे हैं। अब जब संध्या को लौट आए श्री जयदेव जी तो रानी का मुख जो था वो तो लाज के मारे, संकोच के मारे, ग्लानि के मारे पीला पड़ गया, पर रानी के मन का वो जो दुराग्रह था, वो जो ग्रंथि पड़ गई थी उसके हृदय में, वो गई नहीं। देखो हम पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं कि साधक की जो संपत्ति है वो उसका स्वस्थ मन है, कैसी भी परिस्थिति आए, पर ध्यान देना स्वभाव में आपके कोई विकार ना आ जाए, इसको साथ लेकर जाना है भाई। मन साथ जाएगा प्रभु के पास तक ये ले जाने वाला है, और अगर ये मैला हुआ तो ये भरमा देगा, ये भरमा देगा फिर किसी माया की गली में। और संत चेताते हैं भाई कि पत्ता टूटे डार सो बोहर न लागे बार, तन रोगी हो जाए चिंता की बात नहीं है, धन समाप्त हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है, मन अस्वस्थ ना होने पाए, मन मैला ना होने पाए, राग द्वेष ईर्ष्या असूया मद मात्सर्य ये मन को कलुषित कर देने वाले हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं भाई आपकी मेरी संपत्ति मन है। डोंगरे बापा कहते थे वैष्णव को विचार पूर्वक रहना चाहिए, अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि मन उलझ रहा है तो वहां से दूर हो जाए, अपना मार्ग बदल ले, उलझे नहीं, स्वयं को और उलझाए नहीं, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। कबीर साहब कहते हैं संसार कांटों की बाड़ी है, ऐसी तो उलझता है जीव। संबंध जीवन में क्या लाते हैं, राग द्वेष लाते हैं, ईर्ष्या मद मात्सर्य लाते हैं, असूया निंदा लाते हैं, और इन्हीं संबंधों के जाल में, इन्हीं कंटका की झारियों में उलझ कर ये मन की चादर फट जाती है, प्रभु को निवेदन करने योग्य नहीं रहती। इसीलिए विचार पूर्वक रहे, और कभी भी संत और भक्त के प्रति तो कभी भी मन में अवज्ञा का भाव ना आए, इससे तो ऐसा दाग लगेगा जो जन्म जन्म नहीं छूटेगा। इसीलिए उस दिन भी मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि गुरुजनों का जो सेवन है वो सजग होकर करना चाहिए। अगर आप भगवत कृपा से संत की, साधु की, गुरुजनों की सेवा में हैं तो सावधान, और अधिक सावधान, सदा सावधान, सतत सावधान। तो रानी का हृदय मैला हो गया था, और इसके मूल में क्या है, अभिमान है, दंभ है, और कामना जीव का पतन वहां तक करा देती है कि उसे अपने हित और अहित का बोध नहीं रहता। आप देखिए नारद जी ने जब कामदेव पर विजय पाई, महादेव के पास आए, अब महादेव के पास आने का प्रयोजन क्या था, क्या महादेव जानते नहीं कि क्या लीला हुई, पर आए अपनी विजय गाथा सुना रहे हैं, महादेव मुस्कुराते मुस्कुराते सुन रहे हैं, और नारद जी का प्रयोजन ये था कि देखो एक बार को तो आपकी भी समाधि भंग करा दी थी कामदेव ने, हमारी नहीं करा पाया। महादेव मुस्कुराते रहे, हाँ आपकी जय हो, आप भगवान के भक्त हैं, परम भागवत हैं, आपके जैसा कोई नहीं, आपकी जय हो। अब जब जाने लगे नारद जी तो महादेव ने कहा देखिए हमें तो सुनाई है आपने ये विजय गाथा, प्रभु को जाकर मत सुनाइएगा। नारद जी ने मन में विचार किया ये चाहते ही नहीं है कि प्रभु को पता पड़े कि हम ऐसी विजय लेकर आए हैं। उस समय नारद जी ये भी भूल गए कि उस सन्मुख बैठे हैं कौन है, त्रिभुवन के गुरु हैं, ये प्राणी मात्र के हितैषी हैं, ये महादेव हैं। और नारद जी ने मन में विचार किया भाई महादेव चाहते ही नहीं है कि नारायण को खबर पड़े कि हमने कैसी बड़ी लड़ाई जीती है, हमने कामदेव को पछाड़ा है, हमने उसे परास्त किया है। ये भी भूल गए कि वो घटघट वासी है, वो अंतर्यामी है, ऐसा क्या है जो प्रभु नहीं जानते, ये भी भूल गए नारद जी। ये इसके मूल में क्या था, इसके मूल में क्या था, इसके मूल में अभिमान है, अभिमान है। यद्यपि नारद जी को कोई दुर्गुण स्पर्श नहीं कर सकता, नारद जी को कोई दुर्गुण कभी स्पर्श नहीं कर सकता, सदा ही इस बात का स्मरण रखना भक्त के माध्यम से भगवान लीला की रखे, ये भगवान का खेल है, भक्त खिलौना है, और भक्त रूपी खिलौने को हाथ में लेकर भगवान खेलते हैं। संत में कभी दुर्गुण नहीं देखा जाता, नहीं देखना चाहिए, भक्त में कभी दुर्गुण विकार नहीं आता भाई,
मैं प्रत्येक बार ऐसी कोई लीला, ऐसी कोई घटना आपको निवेदन करते हुए कह देता हूँ कि दिख रहा है ऐसा हो रहा है पर ऐसा हो नहीं रहा। तो नारद जी के मन में कोई दुर्गुण विकार नहीं, पर प्रभु ने खेला खेल ऐसा। ये मूल में क्या है? अभिमान है। तो वो जो मैं रानी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये जो श्रेष्ठ होने का अभिमान है और गुरुजनों के सन्मुख श्रेष्ठ होने का अभिमान है, ये जीव का पतन करा देता है। और भाई ऐसे स्थान तक भी ये ले जाता है कि जहाँ से उत्थान कठिन हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो रानी के मन से वो जो गांठ थी ना, वो गई नहीं। उसने राजा को एक बार फिर तैयार किया। राजा ने कहा कि तुम जान चुकी हो कि वो सती साध्वी हैं, वो भाव सिद्धा हैं, उन्होंने एक बार तुम्हें दिखा दिया, इसके बाद भी तुम्हारे मन का कपट गया नहीं, तुम्हारे मन का मैल धुला नहीं। पर रानी तो हठ पर अड़ गई, रानी हठ पर अड़ गई और फिर से भेज दिया राजा को कि जाइए स्वामी जी को साथ लेकर जाइए, और अब जब तक मैं आपको संदेश ना भेजूं आप लौट कर मत आइएगा। महारानी कैकेयी के पिता कैकेयी नरेश महाराज अश्वपति, उनके पास ये सिद्धि थी कि भाई पशु पक्षियों की बोली समझते थे, लेकिन साथ ही साथ अगर इस रहस्य को किसी के सन्मुख उजागर कर दें तो भाई उनकी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। अब एक बार वो अपनी रानी के साथ भ्रमण कर रहे थे, माता भी ऐसी थी कैकेयी के समान हठी, भ्रमण कर रहे थे और एक चींटा और एक चींटी आपस में कुछ वार्ता कर रहे थे, हंस दिए। रानी ने कहा क्यों हंसे हैं आप? तो राजा ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। रानी ने कहा ऐसे कैसे कुछ नहीं, बताइए क्यों हंसे हैं आप? तो राजा ने कहा नहीं बता नहीं सकते। बोली बताना ही होगा, अब तो रानी हठ पर अड़ गई। बोली रानी हठ पर अड़ गई कि बताना ही होगा। तो राजा ने मन में विचार किया, अच्छा ठीक है, अगर बताना ही है तो फिर क्यों ना काशी चलकर बताएं, अब बताते ही प्राण तो हमारे छूटेंगे, अब और कोई साधन करने का हमारे पास में समय नहीं है, तो चलो काशी जाकर प्राण छोड़ेंगे, कम से कम मुक्ति तो मिलेगी। तो राजा ने कहा ठीक है काशी चलकर बताएंगे। अब भाई निकले काशी की ओर, रानी मन में विचार करी ऐसा कौन सा रहस्य है जो काशी जाकर बताएंगे, वहां बता नहीं सकते थे। उसके मन का जो कौतुक था, जो उत्सुकता थी, वो बढ़ती जा रही थी। अब मार्ग में एक बकरा और बकरी आपस में वार्तालाप कर रहे थे, अब वो उनका वार्तालाप कान में पड़ा। बकरी कह रही है राजा से, बकरे से, कि वो जो नदी के पार की जो घास है ना, वो मुझे ला कर दे, अब नदी में आई है बाढ़। और बकरा कहता है मैं कोई महाराजा अश्वपति की तरह मूर्ख नहीं हूं जो तेरे कहने पर अपने प्राण देने चल पड़ूं। अब राजा ने जब सुनी बात तो रानी से कहा उतरिए, यहीं उतरिए। उसको लगा ठीक है काशी से पहले ही बता रहे हैं। राजा ने कहा ऐसी मार लगेगी कि आज के बाद हमसे ऐसा प्रश्न नहीं करोगी। हालांकि देखो भाई हमको इसका कोई बहुत अनुभव नहीं है पर संत सुनाते हैं, ऐसी कथा सुनाते हैं। राजा को जब मार्ग में ये चरित्र श्रवण करने को मिला तो राजा विजय मार्ग से लौटा स्वामी जी को लेकर। पर भाई वहां पद्मावती जी ने मन में विचार किया कि जब रानी हमारी परीक्षा लेना ही चाहती है तो क्यों ना परीक्षा देकर इसे सदा के लिए संतुष्ट कर दिया जाए, नहीं तो जीवन भर पति के प्राण पीती रहेगी, राजा के जीवन में क्लेश रहेगा। तो संदेशा आया कि स्वामी जी प्रभु के धाम को प्राप्त हो गए, भगवत धाम को चले गए, और हास स्वामी कहते ही पद्मावती ने वहीं प्राण त्याग दिए। राजा विजयी मार्ग से स्वामी जी को लेकर लौटा। अब जब घर आकर, महल में आकर राजा ने ये दुर्दशा देखी तो राजा का तो रोम रोम पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। जयदेव जी के चरणों में राजा की अपार श्रद्धा और सामने पद्मावती जी का प्राण विहीन देह। जयदेव जी ने कहा प्रभु की ऐसी ही लीला होगी, प्रभु की ऐसी इच्छा होगी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। पर राजा तो ग्लानि के मारे जला जा रहा है, मरा जा रहा है, उसे तो एक क्षण को चैन नहीं। श्री जयदेव जी ने राजा के कष्ट का विचार करके अष्टपदी गाई, अष्टपदी गाते गाते प्रभु का चरणामृत और श्री चरणों में निवेदित तुलसी दल रानी के पद्मावती जी के मुख में दिया और पद्मावती जी प्रभु का नाम स्मरण करती करती उठकर खड़ी हो गई। पर इस घटना के बाद श्री जयदेव जी ने कहा कि अब हम महल में और नहीं रहेंगे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। संत लोग तो एक और कथा सुनाते हैं
एक पंडित जी शंकर जी को कथा सुनाते थे, अब धन की आशा से वो कथा सुनाते थे, तो वहीं एक सर्प रहता था, वो नित्य कथा सुनने आता था और पंडित जी को एक स्वर्ण की मोहर दे देता था। पंडित जी पड़ गए बीमार, उन्होंने अपने पुत्र से कहा भाई तुम आज जाकर कथा सुना दो। अब पुत्र लोभी था, उसने सोचा कि ये सर्प अपनी बांबी से रोज एक मुद्रा लाता है और मुझे लाकर देता है, बोले आज सर्प को ही निपटा देते और जितनी मुद्राएं सो लेकर चलेंगे। बोले हमारे पिता भी कैसे मूर्ख हैं, रोज इतना परिश्रम करने के लिए आते हैं, जब खबर पड़ी कि धन यहाँ रखा है तो बोले इस सर्प को ही निपटाते हैं और सब धन लेकर चलेंगे। अब जब सर्प मुद्रा लेकर आया तो उसने सर्प पर प्रहार किया, पूंछ पर हल्का सा प्रहार हुआ और सर्प ने तत्काल पंडित जी के पुत्र को डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब कुछ काल के बाद पंडित जी फिर आए, कथा सुनाई, सर्प कथा सुनने आया लेकिन आज मुद्रा नहीं लेकर आया था। पंडित जी ने पूछा कि आज की कथा की दक्षिणा कहाँ है, तो भाई सर्प ने कहा कि देखो पहले तुम हमारे मित्र थे, सद्भाव से हमें कथा सुनाते थे, और फिर सर्प ने कहा कि भाई देखो अब गई मित्र की मित्रता और गया कथा को भाव, बोले तोहे ना बेटा भूल ही मोहे पूंछ को घाव। बोले पंडित जी कथा तो पहले ही थी जब सद्भाव था, बोले सद्भाव गया तो बोले अब कहाँ कथा है, अब तो तुम्हारे मन में पुत्र के मरने की व्यथा है और मेरे मन में ये पूंछ के घाव की व्यथा है, तुम्हारे मन में भी व्यथा है, मेरे मन में भी व्यथा है, दोनों के मन में व्यथा है, तो व्यथा के बीच में कथा कहाँ से रहेगी। तो बोले गई मित्र की मित्रता और गयो कथा को भाव, बोले तोय ना बेटा भूलई और मोए पूंछ को घाव। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जयदेव जी ने कहा कि देखो राजा अब ये संबंध स्वस्थ नहीं रहेगा, इस प्रकार की घटना घट जाने के बाद ये संबंध स्वस्थ नहीं रहेगा, इसीलिए संत कहते हैं भाई टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। राजा ने भी इसे गुरु आज्ञा मानकर स्वीकार की, यद्यपि उसके मन में अपार पीड़ा, उसके मन में अपार कष्ट था कि क्यों मैंने रानी की बात मानी, क्यों मैं इसके स्त्रिया चरित्र में आ गया, क्यों मैंने इसकी बात स्वीकार कर ली, क्यों मैंने अपने अपने अहित का मार्ग स्वयं चुन लिया, क्यों मैंने अपने पाँव से अपने हाथ से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। पर इस सब विचार का अब कोई औचित्य नहीं था, श्री जयदेव जी ने कहा अब यहाँ रहना स्वस्थ नहीं है, चले गए अपने आश्रम जहाँ पर आकर जयदेव जी विराजमान हुए। वहाँ से गंगा जी कुछ कोस दूर पर थी और श्री जयदेव जी का नियम था नित्य गंगा स्नान करने का। जब शरीर बहुत वृद्ध हो गया, बहुत अशक्त हो गया और आप गंगा स्नान के लिए नित्य फिर भी जाते थे, तो एक दिन गंगा जी ने कहा कि आप यहाँ नित्य आते हैं, आपको देखकर मुझे कष्ट होता है, कल से आप ना आया कीजिए, आपके आश्रम के निकट जो सरोवर है कल से मैं ही वहाँ पर आ जाऊँगी। तो श्री जयदेव जी ने कहा हमको कैसे खबर पड़ेगी कि अब वो जल गंगा का जल है। तो श्री गंगा जी ने कहा कल प्रातःकाल आप खिले हुए कमल का दर्शन करेंगे और वो खिला हुआ कमल इस बात का संकेत होगा, प्रमाण होगा कि अब मैं वहाँ पर विराजमान हूँ। आज भी वो स्थान वहाँ जयदेव गंगा के नाम से ही विराजमान है, अनेकों अनेकों भक्त लोग उस पावन तीर्थ में स्नान करते हैं। इस प्रकार आजीवन संपूर्ण जीवन मनसा वाचा कर्मणा श्री प्रिया प्रीतम श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए और श्री जयदेव जी ने अंत में श्री वृंदावन धाम में आकर प्रभु का यश गाकर संतों को सुख दिया और यहीं से श्री प्रिया प्रीतम के नित्य धाम को प्राप्त हुए। तो अनेक सद्गुणों से भरा पूरा ये श्री जयदेव जी का चरित्र भगवत प्रेम का, विशुद्ध प्रेम का फल लगा है जिस बल्ली पर, ऐसा अनुपम ये जयदेव जी का चरित्र श्री नाभाजी महाराज की कृपा से आपने मैंने इस अत्यंत सुंदर सरस सुमधुर भक्तिप्रद चरित्र का गान किया है। रोम रोम पावन होता है, रग रग निर्मल होती है भाई, ऐसे भक्तों का यश गा के, ऐसे भक्तों का गुण गा के और इन्हीं की कृपा से जिह्वा पर प्रभु का नाम, इन्हीं की कृपा से प्रभु के रूप का दर्शन का सुख, इन्हीं की कृपा से लीला श्रवण का आनंद और इन्हीं की कृपा से प्रभु के धाम में विश्राम है। सब भक्तों का पावन स्मरण करते हुए, उनकी चरण रेणु मस्तक पर धारण करते हुए एक बार फिर से उच्चारण करिए, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री
वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारी श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय 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 श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन 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 जय 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 वृंदावन 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 मुझे स्मरण है कि जो चार पंक्तियां सबसे पहले कान में पड़ी थी जिसके कारण मन वृंदावन की ओर मुड़ा था वो यही थी। ब्रज धूली प्राणों से प्यारी लगे ब्रज मंडल माहे बसाए रहो रसिकों के सुसंग में मस्त रहो जग जाल सोनाथ बचाए रहो नित बाकी ये झांकी निहारा करूं मोह निज सेवा में लगाए रहो अहो कुंज बिहारी विनती यही मेरे नैना से नैना मिलाए रहो। और इन पंक्तियों में भी सबसे प्रिय पंक्ति की रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं जग जाल सोनाथ बचाए रहो। भाई ये जो माया जाल
भगवान की दुरत्या माया ने रचा है, इस माया जाल से मुक्त रहने की ऐसे एक ही विधि है भाई, दूसरी नहीं, कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर, कोई और युक्ति नहीं है। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सोनाथ बचाए रहूं। भक्तमाल का मंगलाचरण कहता है, श्री अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाव, भवसागर के तरन को नाहिन आन उपाव। भक्त भगवान की जय, श्रीमद भक्तमाल की, श्री हरि नाम की, श्री हरि धाम की जय। जय श्री राधेश।